नमस्कार, न्यूज वन एशियन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की आवाज भले ही थोड़ी कमजोर हो, लेकिन उनके बोलने का अंदाज और उनका स्टाइल वही है। बता दें कि भले ही लालू प्रसाद यादव को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख याद न हो, लेकिन जनता के बीच अब भी वही उत्साह और उसी तेवर के साथ लालू प्रसाद यादव पहुंचे और तारापुर में जाकर उन्होंने जो जनसभा किया, उससे लोग काफी उत्साहित नजर आए। बता दें कि 2015 विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने चुनाव प्रचार किया था, जिसके बाद सीधे वो कल चुनावी रैली में नजर आए, जहां उन्होंने विरोधियों के खिलाफ जमकर कटाक्ष किए और साथ ही साथ ये बताया कि किस तरह से ये सरकार पूरी तरह से नाकाम है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव को तारापुर 11:30 बजे पहुंचना था, लेकिन वो थोड़ा लेट, यानी कि 12:30 के करीब वो वहां पर पहुंचे, लेकिन इससे जनता को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वहां पर जनता की भीड़ जो है वो सुबह 9 बजे से ही लगनी शुरू हो गई, जिसको देखिए उनके जुबा पर सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव का ही नाम था। कहते हैं कि अगर राजनीति से कोई नेता ज्यादा वक्त के लिए दूर रहे तो लोग उसे भूल जाते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव उन नेता में से नहीं है जिन्हें लोग यूं ही भुला दे। बता दें कि लोगों में वही उत्साह देखने को मिला और जो भीड़ है, जो जमावड़ा है, वो सुबह 9 बजे से ही लगनी शुरू हो गई, जिनके जुबाब पर सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद का नाम ही था, जिसको देखो वो लालू के गुणगान कर रहा था और बता रहा था कि किस तरह से एक बार फिर से उन्हें लालू प्रसाद यादव का ही शासन काल चाहिए। बता दें कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, इन दोनों सीटों पर 30 अक्टूबर को चुनाव होना है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जब भाषण दे रहे थे तो उन्हें इस तारीख कि जो है वो गलती से भूल गए, लेकिन इसके बावजूद जनता को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा और जनता उसी उत्साह के साथ उनके भाषण को सुन रही थी। कई तरह की बातें उसमें कही गई, कई तरह से विरोधियों पर हमला किया गया। लालू प्रसाद यादव का वही अनोखा स्टाइल, वही निराला अंदाज नजर आया, जिसे लोग पसंद करते हैं। अपने उसी ठेठ भाषा में, अपने उसी बिहारी भाषा में लालू प्रसाद यादव जनता को संबोधित कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे और साथ ही साथ इस डबल इंजन की सरकार की खामियों को भी गिनवाने की कोशिश कर रहे थे। बता दें कि बीते कई दिनों से लालू प्रसाद यादव बीमार हैं, कुछ दिन जो हैं वो पहले बिहार पहुंचे हैं, लेकिन बिहार पहुंचते ही वो उसी फुल तेवर के साथ नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, एक चैनल से बातचीत के दौरान लालू प्रसाद ने ये भी कहा था कि जनता की प्यार ने उन्हें यहाँ खींच लाया है और ये जनता का जो है लगाव ही है, उनका मोह ही है कि उनकी तबीयत भी अब सही हो गई है। भले ही इस वक्त लालू प्रसाद यादव जो है उनकी सेहत थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, थोड़ी सी कमजोरी है उन्हें, उनकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी खराब है, थोड़ी कमजोर हो गई है, लेकिन इसके बावजूद उसी तेवर के साथ लालू प्रसाद ने भाषण दिया, जनता को संबोधित किया और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि लालू प्रसाद यादव बीते कई वर्षों से बिहार की राजनीति से दूर है, क्योंकि उसी अंदाज में जनता ने उनका स्वागत किया, उसी अंदाज के साथ, उसी खुशी के साथ लालू प्रसाद का जनता ने जो है स्वागत किया, जिंदाबाद के नारे लगाए और साथ ही साथ ये भी कहा कि इस बार उन्हें लालू प्रसाद यादव ही चाहिए। अब देखने वाली बात होती है कि उपचुनाव का रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि भले ही जनता का सपोर्ट लालू प्रसाद यादव के साथ है, लेकिन सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आने वाले रिजल्ट पर ही जो है जाता है कि आगे क्या कुछ होगा और क्या जो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, जो RJD की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, वो कहाँ तक सच साबित होता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव उसी तेवर और उसी अंदाज के साथ नजर आए जिसे जनता देखकर पसंद करती है, जिसे चाहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन एशियन के साथ। नमस्कार।